हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स में जो सिमिलैरिटी होती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होता है, कैसे होता है ना। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी चैप्टर खत्म हो गया था, ट्रायंगल्स चैप्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री, अब ट्राई है स्टार्टिंग में, TRI। तो ट्राई मतलब क्या? ट्राइंगल से रिलेटेड चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और गोनोमेट्री मतलब समझ रहे हो ना, ट्राई गोनो मीन्स साइड्स, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स जैसे अध्ययन करना, उसको मेट्री बोलते हैं, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब एक ट्राइंगल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में रिसर्च करते हैं, देखते हैं उसमें और क्या क्या हो सकता है। बेसिकली एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स और एंगल्स के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है, दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा, आप खुद सोच के देखो, वो चीज़ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से डिफाइन करते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग किसी भी ट्राइंगल में स्टार्टिंग में देखेंगे, बाद में जाके किसी भी ट्राइंगल में रिलेट करेंगे साइड्स और एंगल्स को, बट अभी के लिए हम लोग फिलहाल के लिए ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्ट करेंगे एक राइट ट्राइंगल से। तो किसी का सवाल हो सकता है कि आखिर राइट ट्रायंगल से ही क्यों? तो इसका जो सबसे सटीक आंसर हो सकता है कि आखिर राइट ट्रायंगल से ही क्यों स्टार्ट हुआ, कि किसी भी ट्रायंगल को दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड तो किया जा सकता है कि नहीं? किसी भी राइट ट्रायंगल में मतलब किसी भी ट्रायंगल को दो राइट ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो ये। और दूसरा, राइट ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सारे साइड्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। और कोई भी ट्रायंगल बता दो जिसमें कुछ कुछ अलग नाम होता है, लेकिन राइट ट्रायंगल में एक को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, और बाकी दोनों साइड में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, और वो अब डिपेंड करता है थीटा पे, मीन्स एंगल पे, किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं तो जिस भी एंगल की बात होती है, फॉर थीटा उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। उसके अपोजिट अपोजिट को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और अगर उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हुआ तो जो बचा वो क्या हो गया? बेस। और अगर वही ये एंगल के लिए बात होती है ना, जो 1 to 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, बाकी दोनों साइड्स में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो जिस एंगल के लिए बात करते हैं उसका अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो सी का अपोजिट ए बी परपेंडिकुलर हो गया फॉर एंगल सी, और एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर हो गया, है ना। और एंगल ए के लिए ये क्या हो गया? ए बी क्या हो गया? बेस हो गया। समझ रहे हैं ना आप? तो ये सच्चाई होती है कि इस तरह से परपेंडिकुलर और बेस हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर अलग डायग्राम में मैं दिखा दूं तो अगर इस एंगल के लिए बात हो, अगर ये एंगल के लिए बात हो, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अगर ये एंगल के लिए बात होता, अगर ये एंगल थीटा, हाइपोटेनियस अभी भी यही होता और बेस अब ये हो जाता, ठीक है। तो ये होता है एक ट्रायंगल की कहानी। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि दिस एंगल इज एच, है ना, और अगर इस एंगल के लिए बात करें तो दिस इज बेस ना, तो बी, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू पी। अब आप ये समझो कि ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर बाकी सीनियर क्लासेस के बारे में भी देखो, सीनियर क्लासेस में भी अगर आप जाओगे, मीन्स 11th 12th में, तो वहां भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रिगो को ही देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स में हर जगह ट्रिगो यूज़ आएगा, पूरे मैथ्स के जो 12th के जितने चैप्टर्स होंगे सब में ट्रिगोनोमेट्री आना ही आना है। विदाउट ट्रिगो कुछ नहीं कर पाओगे आप, समझ रहे हो ना। ऐसा लगेगा जैसे हाथ पैर आपका मतलब बंधा हुआ है, अगर आपको ट्रिगो नहीं आएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ट्रिगो अभी से यहाँ बहुत अच्छे से देखना तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है पी बी और एच। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन क्या होता है अब साइड्स और एंगल में। अब यही थीटा के लिए आप खुद सोचो, जो ये तीन साइड हुए पी बी एच, तो पी बी एच में अगर दो दो
हम लोग अलग अलग लेंथ लेके देखें कि कितने डिफरेंट रेशियोज पॉसिबल हैं। तो आप खुद सोच के बोलो कितने डिफरेंट रेशियोज पॉसिबल हैं। तो आपको दिखेगा कि टोटल 6 डिफरेंट रेशियोज पॉसिबल हैं। अब बोलोगे 6 क्या क्या, तो पहले मैं ले लूंगा पीएच को, है ना। आप खुद सोच के देखो 6 ही हो पाएगा, 6 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 ही रेशियोज पॉसिबल हो पाएंगे इन तीनों साइड्स के साथ, है ना। मैं बताता हूँ क्या क्या, कौन कौन सा। तो पहला तो मैं लिख भी देता हूं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होता है। पहला होता है, आप खुद सोचो यहां पे, तो क्या दिखेगा आपको, एक पी बा एच हो सकता है ना, या पी बा एच, या फिर उसी को ए बी बाय ए सी बोल सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं आप, उसी को ए बी बाय ए सी, यहाँ पे चलो उल्टा लिख देता हूँ, ए बी बाय ए सी। दूसरा और रेशियो एक बी बाय एच हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, बी सी बाय ए सी। तीसरा पी बाय बी हो सकता है, जो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी। चौथा बी बाय पी हो सकता है, जो क्या हो जाएगा, यहाँ बी सी बाय ए बी। मतलब यही, अब जो ऊपर का 3 लिखा है उसका उल्टा बाकी तीनों हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एच बाय बी, जो क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी, और एक हो जाएगा एच बाय पी, जो जिसे क्या कहा जाता है, ए सी बाय ए बी। देखो तो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये है ना। और इसके इन तीनों के अलावा आप सोच के देखना, आपको कोई भी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखेगा, मीन्स साइड्स के रेशियो नहीं दिखेंगे। अब इन सब का ही एक नाम दे दिया गया, इन सबको कुछ पुकारा गया, कुछ नाम दिया गया, कि अब ये रेशियोज जो पी बाय एच हो सकता है एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए उसे बोला गया कि दिस इज साइन थीटा। क्या हुआ, साइन थीटा, एस आई एन ई, साइन थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, एस आई एन ई। लेकिन वैसे ही जो बी बाय एच हुआ उसे बोला गया को साइन थीटा, पी बाय बी बोला गया, पी बाय बी को बोल दिया गया टैंजेंट थीटा, है ना। अब थीटा के लिए अगर एंगल कुछ और होता, एंगल ए के लिए बात करते हैं, तो साइन ए हो जाता, को साइन ए हो जाता, टैंजेंट ए हो जाता। बी बाय पी की बात करें तो को टैंजेंट थीटा, है ना। एच बाय बी की बात करें तो सेकेंट थीटा, और अगर एच बाय पी को क्या बोला गया, को सेकेंट थीटा, ठीक है। ये 6 डिफरेंट रेशियोज डिफाइन किया गया, पी बाय एच इज साइन थीटा। अब ये इतना लंबा लंबा इंग्लिश का वर्ड देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, इसीलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया, इसको बोल दिया गया साइन थीटा। इसीलिए एस आई एन एन अगर लिखा हो तो उसको साइन नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश के हिसाब से, उसको सिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिन पढ़ेंगे, बट पढ़ते क्या है, साइन पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में वो एस आई एन ई होता है। वैसे सिन एक इंग्लिश वर्ड भी होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, पाप। सिन मतलब क्या होता है, पाप होता है, ठीक है। और कोसाइन को भी शॉर्ट कर दिया गया, जिसे क्या पढ़ा गया, कॉस थीटा। टैंजेंट को भी छोटा कर दिया गया, क्या बोला गया उसे, टैन थीटा। को टैंजेंट को भी छोटा कर दिया गया, कॉट थीटा। सेकेंड थीटा को भी छोटा कर दिया गया, सेक थीटा। और ये भी क्या हो गया, कोसेक थीटा। देख रहे हैं आप, तो ये 6 डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यही बोला गया, स्टार्ट ही ऐसे किया गया। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि साइन थीटा पी बाय एच ही क्यों हुआ, तो इसका कोई बहुत खास स्पेसिफिक रीजन नहीं है। मतलब कि कहीं से स्टार्ट करना था, किसी को कुछ तो नाम देना था, तो उसको ये नाम दे दिया गया, पी बाय एच को साइन थीटा बोल दिया गया, है ना। अगर वही एंगल ये होता, ए होता एंगल, तो क्या बोलते हैं, साइन ए। एंगल ए के लिए फिर क्या होता, कॉस ए। मीन्स अकेला एस आई एन का कोई मीनिंग नहीं होता है, सामने एक एंगल होना ही चाहिए, सामने एक एंगल होना ही चाहिए, तभी ये कुछ मीनिंग देगा। मीन्स उसका कुछ मीनिंग होगा साइन थीटा का, अगर एंगल नहीं होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे मुझे लगता है, आगे बढ़ते हैं। वैसे जब मैं पढ़ता था, मुझे पापा ने ये सब पढ़ाया था, तो जब मैं मुझे वो पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने इन सब का हिंदी मीनिंग भी बताया था, जो कि अब कहीं देखने को नहीं मिलता है।
लेकिन मुझे अभी भी याद है। और वो सी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि कई बार काम आता है ना, कई बार आपको काम आता है। कई जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें वो आपके पास नॉलेज हो गई जो कि सबको पता नहीं होता है। तो मुझे वो पापा ही ने बताया था कि साइन थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। कॉस को कोसाइन को कोज्या, टेंजेंट को स्प, कोटेंजेंट को कोस्प, सेकेंड को छे और को सेकेंड को कोछे। ऐसा मुझे अभी भी याद है और मुझे तो याद रहता है और बहुत अच्छा लगता है ना कि मुझे ये सब भी पता है। तो देखो, और बाकी हर जगह ये सब कहीं नहीं बताया गया आज तक, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी पता होना चाहिए तो अच्छा रहता है। क्या क्या बोला मैंने, ज्या कोज्या स्प कोस्प छे कोछे, ठीक है, ये इनका हिंदी में नाम होता है। तो अब आगे आपको ये जो लिखा हुआ है ये हमेशा याद होना चाहिए कि साइन थीटा इज़ पी बाय एच, कॉस थीटा इज़ बी बाय एच, टैन थीटा इज़ पी बाय बी। पी बी एच क्या है अब आपको ये पता है, सेक थीटा इज़ एच बाय बी, कोसेक थीटा इज़ एच बाय पी। ये सिक्स डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गए, ठीक है। वैसे आगे जाके जब आगे फ्यूचर में आप ट्रिगो पढ़ोगे दूसरी कक्षाओं में, तो फिर ट्रिगो को ट्रायंगल से हटा के फिर सर्कल से भी रिलेट किया जाएगा, है ना। वो आगे की कहानी है, वो क्या करेंगे वो आप देखोगे आगे की कक्षा में, देखोगे तो और भी मज़ा आता है। सर्कल से कैसे रिलेट करते हैं ट्रिगो को वो भी आप बाद में देखोगे और तब फिर वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ चीज़ें और बोली कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, वन। देखो ध्यान से, साइन थीटा पी बाय एच था, कोसेक थीटा एच बाय पी, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, वन होगा। तो यहीं से बोल सकते हैं बार बार कि यहां से ही मीनिंग हो गया कि साइन थीटा को या तो वन बाय कोसेक थीटा बोल सकते हैं या फिर कोसेक थीटा को वन बाय साइन थीटा बोल सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब ये याद है तो बाकी दोनों याद है ना। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये क्या होता है, वन होता है, ये भी याद रखो। तो यहां से देख के आप समझ जाओगे कॉस थीटा इज वन बाय सेक थीटा भी हम लोग यूज कर सकते हैं या सेक थीटा इज वन बाय कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये सब आप यहाँ से ऑब्जर्व करके देख सकते हो। या फिर और दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या होगा, वन। देखो ध्यान से, टैन थीटा पी बाय बी था, कॉट थीटा बी बाय बी, मल्टीप्लाई होकर वन ही होगा ना। तो यहाँ भी टैन थीटा को क्या बोलेंगे, वन बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन बाय टैन थीटा। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, अगर दोनों का प्रोडक्ट वन आ जाए। तो यहाँ देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट वन आ रहा है ना, तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सिमिलरली कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एंड टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। समझ रहे हैं आप, ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो कुछ और बात भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, कि अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया जाए। देखो ध्यान से, साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी बाय बी, और पी बाय बी क्या होता है, टैन थीटा। तो यहां आप लिख सकते हो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टैन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व आपने किया, आप देख सकते हो, और ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे अभी याद रखने वाली क्या क्या बातें बताई मैंने, साइन थीटा इज पी बाय एच, कॉस थीटा इज बी बाय एच, टैन थीटा इज पी बाय बी, कॉट थीटा इज बी बाय पी, सेक थीटा इज एच बाय बी एंड कॉसेक थीटा इज एच बाय पी। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज वन, या फिर साइन थीटा को वन बाय कॉसेक थीटा बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा को वन बाय साइन थीटा बोल सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज वन, या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज वन, है ना। मीन्स टैन थीटा को वन बाय कॉट थीटा बोल सकते हैं, कॉट थीटा को वन बाय टैन थीटा बोल सकते हैं, और टैन थीटा को साइन थीटा पे कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा पे साइन थीटा बोला जा सकता है। और ये सब आपको याद होना चाहिए हमेशा। अगर ये सब याद नहीं रहा तो समझो आगे का पूरा गणित खत्म हो जाएगा, आपका मैथ समझ में कम आने लगेगा, ठीक है। तो ये सब अच्छे से आपको याद रखना है। अब ट्रिगोनोमेट्री में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि थोड़े दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
both smaller triangle smaller sides of a right triangle is equals to square of the hypotenuse. ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था हमने और इसका यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है ना. तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल करा देता हूँ जिससे जिसके जो भी डाउट्स है वो खत्म हो जाएगा. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है. इन द गिवन ट्रायंगल ए बी इज 3 सेंटीमीटर ए सी इज 5 सेंटीमीटर फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. अब देखो क्या डायग्राम है. इन द गिवन फिगर ऐसा कुछ फिगर है, इसमें क्या बोला गया कि ए बी सी ट्रायंगल है ठीक है, और आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं. एंगल थीटा ये वाला दे दिया, फॉर दिस एंगल थीटा ए बी का लेंथ 3 है ए सी का लेंथ 5 है. ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से चाहिए. तो देखो मैं क्या क्या करूँगा. आप ए बी पता है ए सी पता है तो क्या बी सी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर. किधर से? पाइथागोरस थ्योरम से. ए सी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर ए बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16. तो बी सी स्क्वायर इज 16 तो बी सी क्या सीधे ही 4 लिख दो. बिल्कुल. और सेंटीमीटर में था तो आप चाहो तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. अब सबसे पहले साइन थीटा क्या पढ़ा था? पी बाय एच. अब ये थीटा के लिए पी क्या हो गया? बी सी बाय एच क्या हो गया? ए सी. बी सी अभी फाइंड किया हमने 4, ए सी कितना था 5, तो साइन थीटा 4/5 आ गया. कॉस थीटा क्या पता था? बी बाय एच. अब थीटा के लिए बी क्या हो गया? ए बी. पहले के जो भी डाउट्स थे यहाँ के बाद क्लियर हो जाना चाहिए. ए बी क्या है? 3. ए सी क्या है? 5. वैसे टैन थीटा की बात करें, टैन थीटा क्या पढ़ा था? पी बाय बी. और थीटा के लिए पी क्या है? वापस से बी सी. और बी क्या है? ए बी. तो बी सी का लेंथ कितना था? 4. और ए बी का लेंथ कितना था? 3. तो 4/3 हो गया. कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बाय पी. अब टैन का उल्टा. ये तीनों अगर आपको याद हो गया तो बाकी तीनों तो वैसे भी याद हो गया. वैसे जो बहुत लोग ये एक ट्रिक यूज करते हैं जैसे पी बाय एच बी बाय एच और पी बाय बी. अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या यूज करते हैं याद रखने के लिए, है ना, जो कि जनरली अगर बहुत इंटरेस्ट मैथ्स में रहता है तो ये खुद ही याद हो जाता है, लेकिन कई बच्चों को याद नहीं होता है. तो उनके लिए ट्रिक एक बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. अब ये क्या बोला मैंने? देखो पी बाय एच बी बाय एच पी बाय बी. तो पी फॉर पंडित बी फॉर बद्री पी फॉर प्रसाद हरि हरि बोल. अब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल याद रखना तो कितना आसान है, है ना. तो ऐसे आप बार बार पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सब में ऐसे लगा दो. तो दिस इज साइन थीटा दिस इज कॉस थीटा दिस इज टैन थीटा. और उल्टा करना है तो इसी का, अब ये तीनों याद है तो इसका उल्टा याद ही है ना. अब यही उल्टा बी बाय बी क्या हो जाता है? कॉट थीटा. एच बाय बी क्या हो जाता है? सेक थीटा. एच बाय बी क्या हो जाता है? कोसेक थीटा. तो ऐसे है जिसको याद नहीं रहता है आप ऐसे याद रख सकते हो. क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. ठीक है, आप ये करके इसको याद रख सकते हो. अब सोचो कि इसके ट्रिक बनाए गए हैं याद करने के तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना. तो कॉट थीटा क्या? टैन थीटा का उल्टा हो गया बी बाय बी. तो ये क्या हो गया? ए बी बाय बी सी. ए बी कितना था? 3. बी सी कितना था? 4. हो गया. आया समझ में? वैसे ही सेक थीटा चाहिए तो ये क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा. कॉस थीटा क्या था? बी बाय एच. ये क्या हो जाएगा? एच बाय बी. एच कितना था? 5. बी कितना था? 3. चलो यहाँ पे सब में लिखा है तो ये इसमें भी लिख देता हूँ ए सी बाय ए बी. ए सी कितना है? 5/3. और कोसेक थीटा चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? एच बाय पी दैट इज ए सी बाय बी सी. ए सी इज 5 बी सी इज 4. आया समझ में? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और आपको याद भी हो गया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. कभी भूलना मत. अब तो भूलना भी नहीं चाहिए आपको अगर आपको याद नहीं है तो, इसमें कन्फ्यूजन होता है तो. ठीक है, तो एक और एग्जांपल कराता हूँ मैं जिससे कि और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर कुछ बचा कुचा रहेगा. इफ़ टैन थीटा इक्वल्स टू एम बाय एन देन फाइंड साइन थीटा. अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का मैं एक मेथड बताता हूँ फिर. चलो ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं.
अब टैन थीटा होता एम बाय एन है, तो यहां पे हम लोग स्कूल के एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो एम बाय एन एक्चुअली क्या था, रेशियोज था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के उन दोनों साइड्स का मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो एम इज टू एन है। तो बचपन में याद करो अगर रेशियो गिवन होता था कि दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है, तो दोनों संख्याएं क्या क्या हो जाती थी, 2x और 3x हम लोग अज्यूम करते थे, है ना। तो यहां भी रेशियो गिवन है m इज टू n, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा m इंटू एक्स, तो यहां पे वही k ले लेते हैं, और n क्या ले लेंगे, और b था ना, तो b क्या ले लेंगे, n के, क्योंकि रेशियो m इज टू n है ना। तो जरूरी तो नहीं है कि p m के ही इक्वल होगा, b n के ही इक्वल होगा, हो सकता है बिल्कुल कि m और n के इक्वल है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा आपका अगर आप एम के और एन के लिखोगे तो, है ना, क्योंकि वो तो क्या था, रेशियोज था, ठीक है। तो पी बी का वैल्यू क्या हो गया, एम के और एन के। अब अपने को जरूरत किसकी है, साइन थीटा की, तो एक अपने पीछे के दिमाग में सोचेंगे साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, तो पी तो पता है, जरूरत किसकी है, एच की जरूरत है, तो एच अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो एच कैसे फाइंड करोगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी मीन्स एम के स्क्वायर प्लस बी मीन्स एन के स्क्वायर, दैट इज एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों में के स्क्वायर है तो के स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या आया, एच स्क्वायर आया। अब एच चाहिए तो एच क्या हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर से तो के बाहर आ जाएगा लेकिन रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रह ही जाएगा, ठीक है। अब अपने को चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या पढ़ा था, पी बाय एच, पी कितना था एम के, एच कितना था के इंटू रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फाइनली जाके के कैंसिल हो ही गया, तो आंसर क्या बचा, एम बाय रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और वही अगर कॉम्पिटिशन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वहां पे सॉल्व करना है, तब आप पी का वैल्यू एम ले लो, बी का वैल्यू एन ले लो, चलेगा। लेकिन अगर स्कूल एग्जाम में लिख रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप ऐसे के टर्म में अज्यूम कर लो, तो आपको और अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो एक दो मैं आपको होमवर्क देता हूं जो आपको करना है। पहला होमवर्क, इफ कोसेक थीटा या कोसेक ए इज 13/5 देन प्रूव दैट tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन 4a इंटू sec स्क्वायर a, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। पहला सवाल ये है, पहला होमवर्क ये है, आप इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, ओके। आपको बस वैल्यू निकालना है और लिखते जाना है, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा, है ना। चलो देखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, और नहीं होगा तो आप पूछ लेना, राइट एंगल्ड एट बी ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू 9 cm एंड बी सी इज 3 cm, इतना भी टफ नहीं है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। डिटरमिन the value of, determine the value of cot c cosec c sec c, ठीक है। अब ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल कुछ ऐसा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इधर b है, इधर a है, इधर c है, ठीक है। ये 5 cm गिवन है, और 5 cm नहीं गिवन है, क्या क्या गिवन है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ए सी प्लस ए बी गिवन है, वो आप खुद से फाइंड करो, और बी सी का लेंथ 3 cm गिवन है, है ना, और ए सी प्लस ए बी 5 cm गिवन है, तो इसमें आपको फाइंड करना है कॉट सी कोसेक सी और सेक बी, ट्राई करो देखो होता है नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आप नेक्स्ट डे आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू होगा वो आपको सिखाऊंगा, वो बताऊंगा कि वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, ओके। तो अब आज मैं लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
है ना, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको बताना है, देखते हैं उसका जवाब कौन दे पाता है। और वो क्वेश्चन आपके जो मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो, तो देखते हैं कौन उसका जवाब दे पाता है। ठीक है, तो ठीक है, 1 मिनट। तो आज का सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट सा है, हो सकता है कुछ अलग भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाए। एक ट्रेपेजियम है, देर इज अ ट्रेपेजियम, उसमें दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी। दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सपोज ए सी का मिड पॉइंट एक्स है, बी डी का मिड पॉइंट वाई है, उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट एक्स है, बी डी का मिड पॉइंट वाई है, तो अब आपको एक्स वाई का लेंथ बताना है क्या होगा। अगर ए सी का लेंथ 20 सेंटीमीटर है और सी डी का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, क्या पूछा मैंने कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी जिसमें एक्स ए सी का मिड पॉइंट है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी, और सिमिलरली वाई बी इक्वल्स टू वाई डी। तो अब आपको एक्स वाई का लेंथ फाइंड करना है अगर ए बी इज 20 सेंटीमीटर एंड सी डी इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ट्रिगो स्टार्ट किया, अभी 2-3 लेक्चर और ट्रिगो पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो आप सब लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, मैंने जो होमवर्क किया है अच्छे से उसको अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। और साथ में उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।